इन्होंने अपना जीवन न केवल पत्रकारिता में, समाज सेवा में और साहित्य की सेवा में लगा दिया। वे हमारे बहुत अंतरंग थे। उनकी कर्मस्थली जो कालाडूंगी मोड में है, उसको मैं ब्यास रूपा कहता था। लगातार साधना में रत, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे दो व्यक्ति मेरे दिमाग में आते हैं। एक गोविंद पंत जी, महान उपन्यासकार, नाटककार, और एक हमारे आनंद बल्लभ उप्रेती जी, जिनको देखकर ये पता नहीं लगता था कि इनके भीतर हास्य भी भरा है और सदा मुस्कुराते हुए, सहज, न क्रोध न कुछ, एकदम सहज आदमी, अद्भुत व्यक्ति। उन्होंने बहुत कृतियां लिखी। उनमें से एक महत्वपूर्ण कृति जो इस नगर के लिए है वो हल्द्वानी पर है। अभी अनिल जी कह रहे थे कि उसका अंग्रेजी में अनुवाद होना बहुत जरूरी है। एक एक इस उतना स्मृति में पूरे 50 साल 60 साल का या उससे पहले का पूरा हल्द्वानी का आज तक का विवरण अपने जीवन काल तक का उन्होंने दिया है और बड़ी ही अद्भुत कृति। तो ऐसे अवसर पर ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको सम्मान देने के लिए, याद करने के लिए यहाँ पर साथियों, जब हम हिमालय की बात करते हैं, उसको देवतात्मा कहा गया है। देवतात्मा इसलिए है, यदि हिमालय नहीं होता तो उत्तरी भारत भी नहीं होता। दूसरी चीज, यह सामान्य प्रदेश नहीं है। जब हम किसी प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो हमको तीन चीजें देखनी होती हैं। एक भूमि, दूसरा वहां रहने वाले लोग, और तीसरी उनकी संस्कृति। जिस समय हिमालय में मेरु की कल्पना की गई, सुमेरु की कल्पना की गई, वह सुमेरु पामीर का पठार था। उसके पूर्व और पश्चिम में पूरी संस्कृति फैली थी। कहां से लोग आए, कैसे बस